नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी मैप पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। किशोर के साथ दुष्कर्म, पीड़ित पिता ने की कार्यवाही की मांग। चॉकलेट देने के बहाने युवक ने गांव के ही नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया। थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित के पिता ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसका 13 वर्षीय पुत्र शनिवार की शाम 7 बजे गांव की मस्जिद के निकट था, तभी वहां पर गांव का ही एक युवक पहुंचा और उसको चॉकलेट दिलाए जाने के बहाने पहला फुसलाकर बाग में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया और डराते धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को ये बात बताई तो उसे जान से मार देगा। पीड़ित ने उक्त सारा मामला परिजनों को बताया, जिसके बाद पीड़ित परिजन रात्रि में ही किशोर को अपने साथ लेकर थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस द्वारा बच्चे को चिकित्सा परीक्षण के लिए भिजवाया गया। अली की चुंगी पर सफाई नायक के साथ मारपीट, मामला थाना मंडी क्षेत्र के अली की चुंगी का है। रविवार सुबह को कर्मचारी सफाई करने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने सफाई कर्मचारियों और सफाई नायक से अभद्रता की, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही थाना मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। इंस्पेक्टर थाना मंडी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भट्टे पर काम करने वाली महिलाओं को महिला कांस्टेबल द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। थाना चिलकाना पर नियुक्त महिला कांस्टेबल प्रीति, सोनी, सरिता, शैली, पूजा द्वारा मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत ग्राम तेलीपुरा की महिलाओं, सुल्तानपुर में भट्टे पर काम करने वाली महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी देते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न अभियोजनाओं व अभियानों के बारे में व कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कमरे में सोता रहा परिवार, नकदी जेवरात लेकर चोर हुए फरार। बेखौफ चोरों ने बीती रात्रि ननोता क्षेत्र की संतोष विहार कॉलोनी में एक मकान को निशाना बनाया। निशाना बनाते हुए 1 लाख रुपए की नकदी, सोने का मंगलसूत्र, कपड़े व 3 मोबाइल सहित सामान चोरी कर लिया गया। विशेष बात यह रही कि चोरी की घटना के दौरान परिजन सोते ही रहे और चोर सामान चुराते रहे। मामले की जानकारी पीड़ित परिवार को होने के बाद 112 पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मकान में हुई चोरी की जांच की और पीड़ित पक्ष ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत, महिला व बच्चे सहित 6 श्रद्धालु हुए घायल। बेहट कोतवाली भेट क्षेत्र के शाकुमनी रोड पर गांव बेलका व चूहड़पुर के बीच दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में सिद्धपीठ मां शाकुमरी देवी दर्शन को जा रहे दोनों बाइकों पर सवार एक महिला व बच्चे सहित 6 श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना मिलते ही एसएसआई अजय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ पर घायलों की हालत को गंभीर मानते चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। गणपति बाबा मोरिया के जय घोष के बीच गणपति विसर्जन संपन्न। गणेश चतुर्थी पर आज महानगरवासियों द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणपति जी के विदाई देते हुए गणपति जी का विसर्जन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर व मानक मोह स्थित नहर पर ढोल नगाड़ों पर धार्मिक धुनों पर थिरकते हुए गणपति विसर्जन के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी देखी गई। कार्य में देरी करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को काली सूची में डाला जाएगा। प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा व कृषि अनुसंधान मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में जितने भी निर्माण कार्य प्रगति पर है उनमें तेजी लाते हुए दिसंबर माह से पहले ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में ढिलाई करने वाली तथा गुणवत्ता कार्य न करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को काली सूची में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में कोई भी कोरोना केस नहीं है, फिर भी लगातार सैंपलिंग लिए जाए और टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जाए। विकास कार्यों को उन्होंने इस दौरान गिनवाया। विकास कार्य गिनवाने के बाद उन्होंने किसानों को लेकर पत्रकारों से क्या कहा, वो आप भी सुनिए। जो अपने खेतों पर काम कर रहा है, जो हमारे यहाँ अपना उत्पादन ला करके दे रहा है, उनसे जरा आप बात करें। 4.5 साल इतने बड़े पैमाने पर किसानों को हम लोगों ने योजनाओं से लाभान्वित किया। अकेले आपके सहारनपुर में ही, जैसा मैंने आपको बताया
कि अब तक हम लोगों ने 1208 करोड़ रुपए तो विभिन्न योजनाओं से उनको लाभान्वित किया, जिसमें किसान का एक पैसा नहीं लगा। इतने की तो गन्ने की खरीद नहीं करते थे वो, जितना हम कर रहे हैं। तो इससे बेहतर मोदी जी और योगी की सरकार से बेहतर कौन सी सरकार हो सकती है किसानों के लिए? किसानों के कल्याण के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार समर्पित है। और फर्स्ट वन डे जिस दिन हमारी सरकार बनी, दो फैसले उस दिन किए थे। एक किए थे कि उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपये माफ़ी का। दूसरा फैसला किया था 50 लाख मेट्रिक टन गेहूँ के खरीदारी का। हम तब से लगातार निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने उस योजनाओं को क्रियान्वित किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को हम सक्षम बना रहे हैं। और ये प्रयास कर रहे हैं कि जो है वो अपने उसी खेत के भीतर अपनी उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ा सके। इसके लिए हमने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने समाजवादी पार्टी में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे तो यूरिया पर 5% ACTN टैक्स लगाया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगभग 17-18 साल बाद ACTN टैक्स खत्म करके किसानों को भारी राहत दिया। लगभग 35 रुपए प्रति बोरा यूरिया का कीमत उनको बची। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए भी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वैप को। अगर आप भी हमें कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।